उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बेरोजगारों की फौज भी बहुत बड़ी है। एक वैकेंसी निकलती है, लाखों आवेदन आने लगते हैं। सरकार के सामने भी समस्याएं हैं कि कितने फैक्ट्री कारखाने और सरकारी नौकरियों का इंतजाम किया जाए। लेकिन सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि इस संकट के समय, बेरोजगारी के जमाने में कोई ऐसा काम ना होने पावे सरकारी तंत्र द्वारा जो बेरोजगारों का शोषण का कारण बने। आज हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में सरकारी अफसरों के एक तानाशाही रवैये, एक तुगलकी फरमान की ओर लेकर जाएंगे, जहां राजधानी के लोहिया हॉस्पिटल में बेरोजगारी के जमाने में बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ भद्दा मजाक चल रहा है। मजाक इसलिए कि ये कारनामे कोई मामूली नहीं है। ये कारनामे ऐसे हैं कि बेरोजगारों की मदद के बजाय उनकी समस्या को बढ़ाते हैं। समस्या सुलझती नहीं है, उलझती है। लोहिया संस्थान में नर्सिंग अफसर के 534 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ के अफसरों ने ऐसा कारनामा कर दिया कि जिसके चलते बेरोजगार युवा तंग होकर सरकार को कोस रहे हैं। 534 पदों की भर्ती निकली और 20 तारीख को प्रवेश पत्र जारी हुआ दिसंबर में कि 28 तारीख को आपकी परीक्षा है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन आप सोचेंगे कि किन लोगों ने कारनामा किया। परीक्षा के केंद्र उत्तर प्रदेश के बजाय मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, ये पंजाब, यहाँ पर बनाए गए। अब आप सोचिए कि नर्सिंग की परीक्षा उत्तर प्रदेश में है और परीक्षा देने बच्चा जाएगा मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार। गजब व्यवस्था है। हजारों लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं और आप कह रहे हैं कि 20 तारीख को प्रवेश पत्र जारी करके 28 दिसंबर को आपकी परीक्षा फला प्रदेश के फला सेंटर पर है। 8 दिन के भीतर ट्रेनों में रिजर्वेशन भी मिलना मुश्किल है। इतना पैसा नहीं बेरोजगारों के पास। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर बोर्ड के 15-15, 20-20 लाख छात्र परीक्षा देते हों, जहाँ पर लोक सेवा आयोग में लाखों की संख्या में परीक्षाएं होती हों, वहाँ 534 पदों के लिए आपको प्रदेश के बाहर सेंटर बनाना पड़ेगा। ऐसे तुगलकी फरमान, ऐसे असंवेदनशील या कहिए संवेदनहीन अफसर जो बैठे हुए हैं, वो ऐसे ऐसे कारनामे करें कि बेरोजगार को माथा पीट रहे हैं और सरकार में बैठे जिम्मेदार आँख मूंदे हैं, कान में तेल डाले हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आप सोचिए कि कोई बच्चा इस ठंड में जाएगा हरियाणा, बिहार, पंजाब, दिल्ली, कहाँ कहाँ नौकरी के लिए भटके। मीडिया में खबरें उठती हैं, उछलती हैं, सरकार की किरकिरी होती है। फिलहाल इतने बवाल के बाद लोहिया संस्थान ने इस परीक्षा को टाल दिया है, स्थगित कर दिया है। ये जाना कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लड़के कैसे जाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे जाएंगे, फॉर्म भरने में तमाम परीक्षा में पैसा खर्च हो जाता है, परीक्षा केंद्र की परेशानी, नाराजगी, सब कुछ सरकार को झेलना है। इस कारनामे की गूंज पूरे प्रदेश में है, लेकिन लोहिया संस्थान की निदेशक सोनिया नित्यानंद पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप हैरत में पड़ेंगे कि राजधानी है, प्रमुख सचिव भी यहीं बैठा है, मंत्री भी यहीं हैं, डिप्टी सीएम, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, सब यहीं बैठे हैं। संज्ञान पता नहीं कब लिया जाएगा, वैसे छोटी छोटी बातों का संज्ञान लिया जाता है। देखिए, चाहिए तो ये था कि सरकार जब कहती हम संवेदनशील हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, तो ऐसा खिलवाड़ करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी करें, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उपहास करती है व्यवस्था का और ये अफसरों की मनमानी को और कहा जाए तानाशाही को दर्शाता है कि उनके जो मन में आएगा कर देंगे, जहाँ चाहे जिसको चाहे भेज देंगे, अंडमान निकोबार में परीक्षा केंद्र बना देंगे। गजब व्यवस्था चल रही है।